हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑटो स्टूडियो। ये जो कार आप देख पा रहे हैं, ये है इनोवा, टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जेड, जेड वेरिएंट है ये। और ये शुरू होता है 25.68 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। और अगर फ्रंट से बात करी जाए तो 2.4 लीटर का डीजल इंजन आपको देखने को मिल जाता है इसमें। ऐसा कुछ इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 150 पीएस की पावर और करीब 360 एनएम का टॉर्क। ब्यूटीफुली पैक्ड इंजन है, आप देख सकते हैं। कुछ स्पेस यहाँ पर दी जाती है, इंसुलेशन मिल जाता है आपको, जिसकी वजह से कि डीजल इंजन की जो आवाज़ है वो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है तो ये काफ़ी आवाज़ करता है। आपने इनोवा अगर पुरानी देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोलिक स्टड्स आपको नहीं मिलते हैं इसमें। फ्रंट से बात करी जाए तो ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, हेलोजन रिफ्लेक्टर, और ये आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में है। और सेंसर की बात करी जाए तो सेंसर आपको एक यहाँ पर मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे, ये सेंसर है। और ये आपको ग्रिल मिल जाती है क्रोम फिनिश, और ये थोड़ी ग्रेइश सी है, पियानो ग्रेइश सी, और ये टोयोटा का लोगो मिल जाएगा आपको। और एक सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और ये हेडलैम्प यूनिट मिल जाएगी, क्रोम वर्क कर रखा है इस पर। वाइपर्स की बात करी जाए तो आपको सिंगल ब्लेड यहाँ पर वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलेंगे। और ये थोड़ा एसेसरीज का पार्ट है, क्रोम वर्क हो रखा है, ये क्रोम आपका प्रॉपर कंटिन्यू होता जाता है पीछे तक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक पैनल दिख जाता है जो कि क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा, क्योंकि ये एक्चुअली कार जो है ज़्यादातर टूरिस्ट डिपार्टमेंट में कंसिडर ज़्यादा करी जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग ज़्यादा नहीं खरीदते ऐसे फैमिली के पर्पज़ से। और ये आपको पैसेंजर साइड बैक जो सेकेंड रो होती है उसका पैनल मिल जाएगा, क्रोम वर्क हो रखा है, अगर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर टायर साइज़ की बात करी जाए तो हमें जो टायर साइज़ मिलता है वो मिलता है 215 रेडियल 17 इंच का आपको एलॉय मिल जाता है, डुअल टोन में, ब्लैक और ग्रे, ये आप देख सकते हैं। और 5 नट्स का ऑप्शन है ये। आइए पीछे देखते हैं क्या मिलता है। तो हेलोजन आपको स्टॉप लैंप मिल जाती है, और यहाँ पर ये आप जब हेड लैंप ऑन करते हैं तो आपको ये लाइट जलेगी, आप देख सकते हैं। ये हेलोजन आपको इंडिकेटर मिल जाता है, 2.4Z की बैजिंग मिल जाती है, 2.4 लीटर का डीजल इंजन है ये, जो आपको प्रोड्यूस करता है 150 पीएस की पावर। और ये बैक लैम्प हो गई, यहाँ ये एक्चुअली डिफॉगर हो गया, आप देख सकते हैं। और ये टोयोटा का लोगो हो गया। इनोवा क्रिस्टा की आपको बैजिंग मिल जाएगी, तो इनोवा क्रिस्टा जो है अपने सेगमेंट में रूल कर रही है, किसी को टिकने अभी तक दिया नहीं है, जो कि राइवल थी मराजो और लॉजी वगैरह, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। ये आपको बैक लाइट मिल जाएगी, बैक करते टाइम आपको जल जाएगा। और ये स्टॉप लैंप्स हो गई, इंडिकेटर बल्ब हो गए, और ऊपर स्पॉइलर दे रखा है, काफ़ी स्टाइलिश स्पॉइलर है, एरोडायनेमिक। और ये स्टॉप लैंप्स मिल जाएगी जो कि आपको एलईडी फिनिश हो रखी है। ये डिफॉगर मिल जाएगा रियर विंडशील्ड पे, और ये वाइपर हो गया सिंगल ब्लेड वाइपर। और इसका अगर बूट खुला जाए, आइए इसका बूट रिलीज करके देखते हैं। इसमें मिलता है आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट, इसको खोल के देखते हैं। और यहाँ पर तो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाएंगे, और ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसको बंद करने का, ये हैंड मिल जाएगा। इसमें 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और ये सीट एक टक इन हो रखी है, जैसा फॉर्च्यूनर में दिखाई देता है आपको, वैसी सारा सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। आपको थर्ड मतलब इसमें पीछे जो पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स के लिए क्या होता है कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये अंदर करा और इसको करा ओपन, और ये तो ये जो हेडरेस्ट है, ये इकलौती ऐसी कार है जो थर्ड रो में भी 3 पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये ठीक है। और अगर इसको ओपन, ये मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं होता है इसका। और यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, शायद इसको मैं ओपन नहीं कर रहा। सीट बेल्ट दे रखी है थर्ड रो के लिए, और ये आपको मैकेनिज्म दिखाया। और अगर इसको रिलीज़ करना है तो ऐसे इसको करेंगे, रिलीज़ हो जाएगा, ये बंद हो गया। 50-50 स्प्लिट है इसमें, और ऐसे करके ये लग जाएगा ऐसे करके, और इसको ऐसे इसमें मैकेनिज्म फिट हो जाता है। इसको आप लगा सकते हैं ऐसे करके, ये लग गया है, 50-50 स्प्लिट है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इससे ये रिलीज़ होगा और ये निकल जाएगा। एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर, एक हाथ से रिकॉर्ड करना और एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी मैं रिलीज़ करता हूँ, ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो गया, और इसको मैं लगा लेता हूँ ऐसे। तो इसमें बहुत सारी स्पेस बन गई है, इसमें एक छोटी गाड़ी तो आ ही सकती है, तो मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली। और अगर पैसेंजर्स के लिए बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और आपको मैं दिखा देता हूँ पैनल एक बार फिर से, इसको खोल करके ऐसा कुछ पैनल मिल जाएगा, क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा उसे, मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं। ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाएगी फ़ोन वगैरह रखने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है आपको, तो इसको बंद करते हैं और आगे चलते हैं सेकंड रो पे। नीचे आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं, एक ये नीचे बम्पर पे आप देख सकते हैं, बॉडी कलर इसका बम्पर है। तो ऐसा कुछ फ्यूल लिड आपको देखने को मिल जाता है। और वह दूसरा, मतलब जैसा आपने जीप मेरिडियन और कंपास में देखा होगा, तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं मिलता है इसमें, आपको ये ओपनर की मदद से ओपन करना पड़ेगा। 55 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम करती है कंपनी। अगर इनोवा क्रिस्टा की लेंथ की बात करें तो 4735 mm की लेंथ मिल जाती है, विड्थ मिल जाती है 1830 mm की, हाइट मिल जाती है 1795 mm की, और जो व्हील बेस मिलता है वो 2750 mm का मिलता है। अगर इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो इसमें आपको मिल जाता है 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो रफ रोड्स पे आपको मदद करेगा निकलने की। सेफ्टी में बात करी जाए तो ABS, ब्रेक असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म और 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। एक क्रोम हैंडल मिल जाएगा आपको डोर पे, उसको खोलते हैं। और गेट पे अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये ग्रेइश सी, काफ़ी मैट ग्रेइश सी फिनिश मिल जाती है। क्रोम डोर ओपनर मिल जाता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, विंडो कंट्रोलर मिल जाता है, यहाँ से ग्रैब हैंडल है, इससे बंद कर सकते हैं। और ये है पायलट सीट्स, जैसा कि आप XL6 वगैरह में देख सकते हैं, तो ये पायलट सीट है। और ये टॉप मॉडल कंसिडर आप कर सकते हैं, तो मतलब टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है ये, तो इसमें पायलट सीट्स मिलती हैं। चलो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है इसका। तो लाइका बॉस आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पीछे का मैंने सारा कुछ दिखा दिया। और हैंडरेस्ट भी है इसमें, मतलब इंडिविजुअल के लिए हैंडरेस्ट मिल जाएगा, तो आप बॉस की तरह आप ट्रैवल कर पाएंगे। और ये आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं इसमें, ये हेलोजन लाइट्स हैं आप देख सकते हैं। और बात करी जाए तो सेम एज़ दूसरा डोर जो आपको दिखाया है, यहाँ पर आपको ट्रिम मिल जाती है, वुडन ट्रिम मिल जाती है फिनिश के लिए, जो काफ़ी लैविश लगती है। और यहाँ पर की बात मैं आपको एक और बढ़िया दिखा देता हूँ, तो ये जो आप इसको पुश करेंगे तो ये रिलीज़ होकर के ये कप, दो कप होल्डर बन जाएंगे यहाँ पर, तो ये इसी साइड मिलता है। यहाँ पर आप अपना सीट बेल्ट माउंट कर पाएंगे, सीट बेल्ट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और ये पैसेज बन गया थर्ड रो में जाने के लिए। तो अगर यहाँ की बात करी जाए तो आप अगर इस लीवर को पुश करेंगे, पुश करना है, हाँ नहीं सॉरी पुश नहीं करना है, ये ऐसी लिफ्ट करके ये आपको ऐसा ग्लास होल्डर बन जाएगा। आप इस पर अपना थोड़ा काम वाम कर सकते हैं, लैपटॉप तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन आप इस पर अपना लंच या डिनर कर सकते हैं। इसको देखिए, जैसे ये इसको पुश करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल सी है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको दिख जाएगी, देख पा रहे हो, तो आपको ये ऑटो एसी के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑफ़ के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, लाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे, वेंट्स मिल जाएंगे,
और अगर आप देख पा रहे हो तो ये रीडिंग लाइट मिल जाती जो कि हेलोजन है। ग्रैब हैंडल्स इधर वेज मिल जाते हैं, इधर साइड मिल जाते हैं, सॉरी यहाँ पर हुक्स मिल जाते हैं हैंग करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। और सेंट्रल कंसोल की बात करी जाए तो यहाँ पर एक यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती है। और नीचे बात करें तो 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है इसमें, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैं अभी थर्ड रूम में आपको विज़िट कर मतलब एक्सेस करके दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। गेट के नीचे देखेंगे तो आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगी जो कि हैलोजन है, देख सकते हैं। तो थर्ड रूम में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कर दिया और इसको ये टंबल हो गया, देख सकते हैं ये टंबल हो चुका है। अब इसको हम नीचे करते हैं, चलो उस वाली को नीचे करके देखते हैं। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करके और इसको खोल देते हैं और इस पर बैठ के देखते हैं कि सच में। और ये रिक्लाइनर के लिए आपको ये लीवर मिल जाएगा और आप रिक्लाइन करके बैठ जाएंगे इस पर। और अगर आप देखना चाहें तो मेरी 5'11" मेरी जो हाइट है वो 5'11" है, उसके हिसाब से अंदर थाइट सपोर्ट जो है वो बहुत बेकार है। मैंने टोयोटा इनोवा में पहले भी ट्रैवल किया हुआ है, ये स्लाइड नहीं होती है और ये लॉन्ग जर्नीज़ के लिए मेरे लिए तो बढ़िया नहीं है। और ये चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी बढ़िया है, 3 चिल्ड्रंस आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और दोस्तों के साथ अगर पार्टी वार्टी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया जगह आपको मिल जाएगी, आप अपना सामान रख सकते हैं। तो मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे आराम से लेट करके आप जा सकते हैं और अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। तो ये लाइक अ बॉस वाली फीलिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये पैसेज आपको मिल जाता है क्योंकि पायलट सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। गेट को बंद करें तो ये थर्ड काफ़ी अच्छा है। और ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो इसमें सिक्वेंस सेंसर मिल जाता है अगर चाबी आपके पास है, ऐसा कुछ ORVM मिल जाता है। ग्लास ओपन करते हैं ऐसे। ड्राइवर साइड डोर की बात करी जाए तो यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है इधर दिखाने देखने के लिए कंपोनेंट का। यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, कुछ सामान रखने की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर ग्रे मैट ग्रे सा आपको स्टाइलिश सा आपको मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ये ORVM कंट्रोल्स हो गए आपके, लेफ्ट राइट वगैरह, और ये ऊपर नीचे करने का ऑप्शन हो गया, सॉरी ये जो है ये हाँ ये ऑटो फोल्ड का ऑप्शन है। ये डोर अनलॉक लॉक का है, विंडो लॉक अनलॉक का है, ऑटो आपको सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं ऑटो ऑटोमेटिक। ये एडजस्टेबल सीट्स हो गई आपको, जैसे ये नीचे आप देख पा रहे होंगे ये नीचे जाती जा रही हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये नीचे रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। और आप ये रिक्लाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अब ये रिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये रिक्लाइन हो जाएगी। अगर इधर नीचे से बात करी जाए तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्यूल लिड का ऑप्शन, ये फ्यूल लिड खुल जाता है और ये जो है इसको फ्यूल लिड को रिलीज़ कर देते हैं और ये बोनेट रिलीज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है और ये आपको मिल जाता है वॉशर का ऑप्शन। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है, वुडन ट्रिम फिनिश मिल जाता है और ये ग्रे सैटन ग्रे मैट ग्रे जिसे बोल सकते हैं आपको ऐसी फिनिश मिल जाती है। एसी वेंट्स मिल जाते हैं क्रोम के साथ। यहाँ पर कुछ फैब्रिक मिल जाती है आप देख सकते हैं और ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है आप देख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पर डिफॉगर वेंट्स मिल जाएंगे आपको और ऐसा कुछ 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा जिस पर टोयोटा का प्यारा सा लोगो बना हुआ है। SRS एयरबैग्स हैं आप देख सकते हैं, ये कॉल पिक करने का ऑप्शन है, कॉल कट करने का ऑप्शन है और प्लस माइनस का ऑप्शन आपको मिल जाता है वॉल्यूम मतलब, और ये प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर ये लीवर आपको देख रहे हो तो ये है आपका उसका क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, ये है आपका MID के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और ये वॉशर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको हेडलाइट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सामने बात करें तो आपको यहाँ पर जो है
मिल जाता है टैकोमीटर, टैकोमीटर के साथ आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, और इधर की बात करें तो स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, छोटी सी MID डिस्प्ले मिल जाती है, और कुछ ऑप्शंस आप देखने को मिल जाते हैं जो आप ऑन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेंगे। तो और सबसे बढ़िया बात ये कि यहाँ पर आप एक कप होल्ड करवा सकते हैं, और इससे कि क्या होगा कि आप अगर आप ये वेंट्स को नीचे कर देंगे तो ये आपकी ड्रिंक्स को ठंडा करता रहेगा। तो ये आपको स्टेयरिंग जो मिल जाता है वो लेदर रैप मिलता है, काफ़ी स्पोर्टिंग और क्रिप्ड स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील सॉरी, और ये मैट ग्रे में आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा सा गोल्डन टाइप का है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो काफ़ी अच्छे ग्रिप वाले आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेंगे। अगर इंफोटेनमेंट की बात करी जाए तो ये ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट मिल जाता है, और ये जो नॉब्स हैं ये पावर के लिए, मतलब ये ट्यूनिंग के लिए हैं, ट्यूनिंग स्क्रॉल करने के लिए, और चैनल के लिए, ट्रैक के लिए, और फ़ोन मोड के लिए, ऐप्स के लिए, और ये इन्फो के लिए हो गया, ऑडियो के लिए हो गया मेन्यू, और होम के लिए हो गया, ये पावर, ये वॉल्यूम के लिए हो गया, और ये रियर के लिए आपको नॉब मिल जाएगा, AC नॉब जो होता है, AC के लिए हो गया, इनफ्लो आउटफ्लो के लिए हो गया, फ्रंट डिफॉगर के लिए हो गया, मोड के लिए हो गया, रियर डिफॉगर के लिए हो गया, ये AC ऑफ करने का ऑप्शन हो गया, ये ऑटो पे स्विच कर देंगे तो ऑटो पे अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगा, इको मोड, पावर मोड, ये हो गया आपका स्टेबलाइजेशन मोड होता है एक, उसके लिए है ये, पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, अगर पैसेंजर इधर बैठा हुआ है तो उसके लिए बता देगा। 2.1 एम्पियर का आपको USB सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है, कुछ जगह मिल जाती है, कुछ जगह नहीं ज़्यादा जगह मिल जाती है वॉलेट वगैरह रखने के लिए, और एक होल्डर आपको शायद इसमें सामान रखने के लिए, कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर आपको कॉइन्स वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, और ये ड्राइव स्पीड वगैरह इन सब के लिए हो गया, जब मैनुअल पे लगाएंगे आप तो ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक्स हो गई, कप होल्डर एक सिंगल हो गया, लेदर रैप्ड आपको हैंडरेस्ट मिलेगा आप देख सकते हैं, और मैकेनिज्म प्रॉपर मैकेनिज्म है, मैग्नेटिक वाला नहीं है, और स्पेस की बात करी जाए तो ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है, और डोर, पैसेंजर साइड डोर की बात करी जाए तो आपको ऐसा कुछ, पहले इसको रिलीज पीछे कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, इसमें आपको विंडो ओपनर मिल जाएगा, डोर ओपनर मिल जाएगा, लॉक अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, फैब्रिक मिल जाएगी, वाटर होल्डर मिल जाएगा, कंपोनेंट के लिए जगह मिल जाएगी, ये लॉक अनलॉक, ये ग्लोव बॉक्स लॉक अनलॉक हो जाता है, ये देख सकते हैं की का ऑप्शन दे रखा है, ये सॉफ्ट ओपन होता है, डिसेंट सा है, ज़्यादा बड़ा ग्लोव बॉक्स नहीं है। एक और ग्लोव बॉक्स है, इसको रिलीज करके देखते हैं, ये रिलीज करा तो ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल गया आपको, तो ये क्लू कूल्ड है देख सकते हैं, वुडन ट्रिम मिल जाती है ग्लॉसी सी, और ऐसा कुछ है। ऊपर की बात करी जाए तो सन वाइज़र आपको मिल जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम सन वाइज़र को ओपन करेंगे तो इफ़ वी ओपन द वैनिटी मिरर लाइट्स गेट इल्यूमिनेटेड ओवर हियर, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, हुक नहीं मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग आपको सपोर्ट करने को मिल जाएगी आप देख सकते हैं, और ये कुछ लाइट्स हैं जो कि अभी आप ओपन करके देखते हैं, ये हेलोजन लाइट्स हो गई दोनों साइड में, इसको बंद कर लेते हैं, और कुछ ऑप्शंस आपको मिल रखे हैं यहाँ पे, डोर ओपन वगैरह, मतलब सारी ये मोड्स लाइट्स के हैं, और इसको ओपन करा तो ये आपको गॉगल्स का होल्डर मिल जाएगा आप देख सकते हैं, और सनवाइज़र इधर की बात करें तो सेम एज ड्राइवर साइड है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, टच स्क्रीन इसमें आपको 8 इंच की मिल जाती है जो ऑफर करती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। सिक्योरिटी सिस्टम की आपको लाइट जलती हुई दिख जाएगी, हजार्ड लाइट का ऑप्शन, मतलब जो बटन है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और ये हो गई आपकी वॉच के लिए डिस्प्ले जो आप देख सकते हैं जो टोयोटा देती है अपनी बड़ी गाड़ियों में, और ये ऐसा कुछ नॉब है आप देख सकते हैं, और पेडल्स की बात करी जाए तो इसमें ये ऑटोमेटिक है तो इसमें ब्रेक पैडल हो गया और एक्सीलेटर पैडल हो गया, डेड पैडल मिल जाता है यहाँ पर जिससे आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो कैसे लगी आपको टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जेड वेरिएंट 80 में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव इट अ थम्स अप। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल।